जिक्र है, मुबाशरत में होने वाली खयानत का भी जिक्र है। यही बच्चा 5 साल का कुरान भी पढ़ता है, क्यों नहीं समझ आती हमें बात? जिस चीज से शर्म खानी चाहिए कि मेरा और आपका बच्चा बेहयाई के माहौल में तालीम हासिल न करे, उस चीज से हम शर्म नहीं खाते। उसकी क्लासें डांस की क्लासें ना हो, वहां शर्म नहीं खाते। क्यों? वहां ब्रांडेड ब्रांडेड की रट लगी होती है। और जिस चीज से शर्म नहीं खानी चाहिए वहां न सिर्फ शर्म खाते हैं बल्कि बुरा मानते हैं। इन्ना लिल्मुत्तकीन मफाजा हदाइक व अनाबा व कवाहिब अतराबा व कासन दिहाका, अरे मुत्तकीन के लिए छलकते हुए जाम में लेंगे। ये बंदे की फितरत है, अब उसकी मर्जी, वो अपनी बदफितरती करके थोड़ी देर के लिए छलकते हुए जाम यहां ले ले या छलकते हुए जाम वहां ले ले। अल्लाह ने बंदे मोमिन के लिए छलकते हुए जाम वहां रखे हैं, पाक छलकते हुए जाम, यहां नापाक छलकते हुए जाम उसके लिए अल्लाह ने हराम कर रखे हैं। वकसन दिहाका ला यस्माउन फीहा लगवं वला किज़्ज़ाबा, और छलकते हुए जाम में भी इन्वायरमेंट ऐसी होगी कोई लव बात सुनने को नहीं मिलेगी, कोई झूठ सुनने को नहीं मिलेगा, कोई चुगली गीबत बोहतान कुछ भी नहीं मिलेगा। शराबी बैठे होते हैं तो हर किस्म की जुबान खोल लेते हैं अपनी, क्योंकि ये उम्मुल खबाइस है, हर बुराई की माँ है ये। फिर वो माँ बीवी में भी फर्क नहीं रहता, शराबी नशे में दुत होते हैं तो हर किस्म की बातें करते हैं। अल्लाह कहते हैं वहां छलकते हुए जाम की इन्वायरमेंट होगी लेकिन कोई लफ बात सुनने को न मिलेगी, कोई झूठ बात सुनने को नहीं मिलेगी, कोई बोहतान तराशी नहीं होगी, कोई गीबत चुगली कुछ भी नहीं होगा। ला यस्मऊना फीहा लगवं वला किज़्ज़ाबा जज़ाअ मिन रब्बिक, ये सब कुछ तेरे परवरदिगार की तरफ से बदले के तौर पर मिलेगा, ईमान का बदला, आमाल सालिहा का बदला। और बदला भी कैसा, बजाय खुद बदला तो है ही बेहिसाब, लेकिन जन्नतियों का जो आपस का फर्क मरातिब है वो तो अल्लाह ने ख्याल रखना ही रखना है। वहां हिसाब किताब होगा, अता अन हिसाबा, अल्लाह की ये अता भी हिसाब के हिसाब से होगी। एक बंदे ने दुनिया में अल्लाह के लिए बड़ी कुर्बानियां दी, ख्वाहिशात नफसानी पर पांव रखा, उसका दर्जा कुछ और है। एक सिर्फ इधर भी रहा उधर भी रहा, डामाडोल हुआ, ईमान कमजोर लेकिन जन्नत चला गया, उसका हिसाब किताब कुछ और है। अता हर एक को बेहिसाब मिलेगी लेकिन आपस का फर्क मरातिब अल्लाह जरूर रखेंगे, आपस के हवाले से अता हिसाब से मिलेगी। एक साहब कहने लगे मुझे जन्नत का चौकीदार ही बना दे काफी है। तो यही शौक दुनिया के बारे में क्यों नहीं होता, दुनिया के किसी इदारे का चौकीदार ही बन जाए काफी है, पेट में दो रोटी जानी ना मिल जाएगी। वो सारी जिम्मेदारियां लेने के लिए हम तैयार हो जाते हैं जिसकी पूछ भी होगी लिहाज भी नहीं होगा। बस फर्क इतना है, दुनिया की कदर दिल में है तो दुनिया के ओहदे के पीछे, दीन की कदर दिल में है तो दीन ने जो आपको देना है उसके पीछे। अता अन हिसाबा, और फिर मिलेगा भी किसकी तरफ से, रब्बिस समावाति वल अर्ज, आसमान और जमीन के परवरदिगार की तरफ से। वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकून मिनहु खिताबा, आसमान और जमीन और आसमान और जमीन के दरमियान जो कुछ है उसके परवरदिगार की तरफ से यह सारा कुछ आता होगा। और वह कौन है? रहमान है। रहमान होते हुए भी क़यामत में जब उसकी ज़ात का ज़ुहूर होगा और उसकी अदालत का ऐसा खौफ, ऐसी अजमत और उसका ऐसा दबदबा होगा, किसी नबी की मजाल ना होगी किसी नबी तक की कि वो बगैर इजाजत के बोल सके। ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, गुफ्तगू का यारा किसी को नहीं होगा, हिम्मत किसी को नहीं होगी, अल्लाह की अदालत का ऐसा रोब और दबदबा होगा बावजूद कि वो रहमान है। यौम यकूमुर रूह वल मलाइका, ये वो दिन होगा